गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव, ग्रिग्नार एजेंट, एल्कोहल फिनॉल, ईथर के क्वेश्चन के, ठीक है। एक बहुत अच्छा स्टॉक आपके सामने क्वेश्चन का, जिसमें आपको एनसीईआरटी से कनेक्ट और उसमें बेहतर क्वेश्चन कहाँ पे हैं वो मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बीएससी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। तो ये हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में है भी, हाँ बेंजीन में भी है ये, तो उसको हम यहां पे ले आगे क्रमबद्ध किया हमने। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बात करें, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है ना, ये देखो। अगर इसकी हम डिटेलिंग में जाएं तो बेटा ये बनता कैसे है, बेंजीन की रिएक्शन 3Cl2 यूवी लाइट इसके साथ करेंगे तो बन जाएगा ये। इसको कौन कौन सा नाम देते हैं, 666, ठीक है, जीमीन, लिंडेन, ये इनके नाम है। अब इसमें हमसे पूछा गया पाई बंद, क्या पूछा गया, पाई बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड इक्वल टू वन पाई बॉन्ड, वन सिग्मा वन पाई, ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा टू पाई। लेकिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसमें कहीं कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा, नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर अपना, जीरो। आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसमें क्या सीखने वाली क्या बात है, बीएससी को और किन नामों से, बीएससी बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता कैसे है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए सीधा। हाँ एक बात और, ये क्वेश्चन दे के पूछे ये कौन सी रिएक्शन है, इसकी वजह से क्या होगा बेटा, फ्री रेडिकल, और डबल बॉन्ड पे ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एडिशन, मतलब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एक और इंफॉर्मेशन अपने आपको, ये कौन सी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन। इसको 666 जीमीन लिंडेन बीएससी इन नामों से जानते हैं, पाई बॉन्ड इसको पूछ लिया तो हमारा मकसद पूरा हुआ, आपको ये बता दिया कौन सी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है ना। जनरली बेंजीन क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यहां एग्जांपल है कौन सी रिएक्शन हो गई, फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है, बोलो। तो इसको मिटाते हैं, तो आंसर इसमें क्या हो गया, सेकेंड, बोलो बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत सिंपल सोबर क्वेश्चन, लेकिन आएंगे तो ऐसे, क्योंकि एक नेम देके रिएक्शन देके इसमें स्वार्ट फिंकलेस्टीन, इस पर विशेष ध्यान देना, हम यहां बोल रहे हैं ये, इसलिए हमने या तो हम इसमें स्वार्ट देते या फिंकलेस्टीन देते या ये वाला दे रहे हैं या वुड्स फिटिक, इन पर भी आपको फोकस रखना है। ये जितनी बातें बोल रहे हैं उसके तो आपका चैप्टर रिवाइज, ठीक है। तो एक रिएक्शन दे रखा है C2H5OHSOCl2-pyridine C2H5ClSO2+HCl, ठीक है ना, पूछ रहा है ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये कौन सी है, डार्जन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, डार्जन, ठीक है, बोलो। अब इसके ऑप्शन देना, खरास इफेक्ट कौन सा होता है, एल्कीन की HBr परऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी, वो क्या हो जाएगा, खरास इफेक्ट, डार्जन हो गया। विलियमसन RX की RONA के साथ रिएक्शन, NaX निकल गया, ROR बन गया, विलियमसन। हुंस डीकर RCOAgBr2CCl4 क्या बन जाएगा, RBr, क्लियर। तो ये चारों चीजें आपको ध्यान रखनी, तो इसमें आंसर क्या हो गया, डार्जन, क्लियर बेटा। हाँ, यह एल्किल क्लोराइड बनाने की का बेस्ट मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, हाँ फिर एक शानदार क्वेश्चन, एल्कीन पे रिएक्शन, तो ये दे रखा है देखो, CH2
CH2 डबल बॉन्ड CH CCl3 और इसकी रिएक्शन किससे करनी बेटा, HBr से। क्लियर है? अब देखो यहां पे NO2 होता खींचता, CH3 होता देता, CCl3 क्या करेगा खींचेगा, Cl होता तो क्या करता देता, लोन पेयर है बकड़, तो CCl3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींच लिया, यहां प्लस और यहां माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस, ये देखो ऐसे पकड़ा ऐसे खींच लिए, तो इधर तो जो देता है उस पर प्लस, जो लेगा उस पर माइनस, अब यहां प्लस और यहां माइनस, तो CH2 Br CH2 CCl3, बोलो CH2 Br CCl3। क्लियर है? कौन सा आंसर नजर आ रहा है? CH2 Br CH2 CCl3 सेकेंड आंसर। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा भी नीट में आया हुआ है इसलिए हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, ये रिएक्शन दे के प्रोडक्ट लिख के पूछता क्या यह रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो कर रहा है? बोलो नहीं कर रहा है। तो तभी तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ जैसी कोई चीज होती नहीं है, हमें तो अपना स्टेबिलिटी रूल से प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट यही है, लेकिन यह रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के नियम को फॉलो नहीं कर रहे। बोलो ठीक है, नेक्स्ट बात ठीक है। तो थर्ड का आंसर आपका क्या हो गया, सेकंड। क्लियर बात हो गई? अब बात करते हैं नेक्स्ट, यह C3H8Cl2 लाइट दे रखा है और H हट के वहां क्या लग रहा है, Cl, देख रहे हो, छोटी छोटी बातें और आने वाला भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। हाँ बशर्ते और इसको ऑप्शन में कुछ लैंग्वेज चेंज कर दे, कुछ और कर दे, तो कुछ हट के कुछ लगना वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। क्या होता है ये, प्रतिस्थापन, देख रहे हो ना भाई, C3H8 है, H8 C3H8 8, तो यहां से H हटा और वहां क्या लग गया, Cl। हाँ एक बात और, यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा और अपने कह देते कि यह प्रतिस्थापन कौन सा है, लाइट की वजह से H हट रहा ना। हाँ यहां एक बात हम याद दिला दें, हेलोजिनेशन का ऑर्डर जो होता है F2Cl2Br2I2 और जो एल्केन होता है उसका ऑर्डर होता है 3 degree 2 degree 1 degree। F2 बहुत ही विस्फोटक रिएक्शन देता है, एल्केन अंधेरे में क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, आयोडीन की रिएक्शन होती है लेकिन रिवर्सिबल होती है, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन अग दिशा में करने के लिए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HGO HIO3 HNO3 मिलाते हैं, ये सब भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट आए हुए क्वेश्चन है। एक बात, ल्यूकास रिएजेंट क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl, ये हो गया आपका ल्यूकास रिएजेंट, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl, ये हो गया। अब इसमें देखो फिर इसकी ल्यूकास रिएजेंट के बारे में पूरी बात सुन लो, ल्यूकास रिएजेंट जो रिएक्शन करता है अल्कोहल से, ये 1 degree 2 degree 3 degree को डिस्टिंग्विश करता है, ऑर्डर जो होता है सबसे पहले 3 degree 2 degree 1 degree। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले बेटा कि कौन ल्यूकास रिएजेंट के साथ सेकेंडो में रिएक्शन देगा, तो ध्यान से गौर से सुनना, 3 degree या उससे अधिक स्टेबल वाले जितने कार्बोकैटायन हैं, OH निकलने के बाद जितने अच्छे कार्बोकैटायन बनेंगे वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ सेकेंडो में रिएक्शन करेंगे, सेकेंडो में रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये भी बात हो गई। नेक्स्ट, एसीटोन NaOH की उपस्थिति में I2 से क्रिया करके देता है, कौन सी रिएक्शन है बेटा, आयडोफॉर्म CH3 CH3 CO CH3,
यही है बोलो। और यहां याद रखा है आई टू प्लस एन ए ओ एच, क्या बन गया सी एच आई थ्री प्लस सी एच थ्री सी ओ एन ए। साहब कौन कौन आयोडो फॉर्म देते हैं देखो बेटा, जिसमें सी एच थ्री सी ओ या सी एच थ्री सी एच ओ एच ये ग्रुप आ जाए तो वो क्या देता है आयोडो फॉर्म। हां सी एच थ्री सी ओ, यहां सी एच ओ, ये भी आयोडो फॉर्म देता है। इसी प्रकार सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच ओ या सी ओ एच, ये भी आयोडो फॉर्म टेस्ट देता है। क्लियर? तो इसमें जो आंसर बेटा हो जाएगा सी एच आई थ्री। तो कौन देता है ये क्वेश्चन आते हैं, कौन आयोडो फॉर्म रिएक्शन, कौन सा आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा। तो बता दिया कौन कौन सी एच थ्री सी ओ, नीट में हो सकता है इतना हाई फाई ना है लेकिन सी एच थ्री सी ओ ग्रुप सी एच थ्री सी एच ओ एच ग्रुप ये आ जाए, लेकिन आ गया सी एच ओ सी ओ एच कर लोगे तो इसमें आंसर क्या हो गया सी एच आई थ्री। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं बात, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर। कह रहा है द कंपाउंड फॉर्म ऑन हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है लिखते हैं बात। हाँ देखना बेटा ये है क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन, यहां H, यहां H, सी एच डबल बॉन्ड ओ सी सी एल सी एल सी एल बोलो, यहां कंसेंट्रेट H2SO4 है, सी एल सी एल एच टू निकल गया सी एच सी एल सी एल सी एल सी एच यहां से हुआ ना ये सी एच सी सी एल सी एल सी एल बोलो बेटा हो गया। ये कंपाउंड कौन सा है बेटा, बहुत ही फेमस कंपाउंड डीडीटी इंसेक्टिसाइड याद है, इसको अमेरिका में बैन किया गया, ये सब बातें। कुछ और बात इसमें डीडीटी देके आपको आईपीसी ने हम पूछ ले, डीडीटी देख के आपको नंबर ऑफ क्लोरीन पूछ ले, डीडीटी देख के आपको डीयू पूछ ले, ठीक है ना। इसके साथ एक इसका और इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो गया ना, तो इसमें आंसर बेटा कौन सा हो गया डीडीटी। हाँ सर कुछ और बातें इसके इधर उधर तो सुनो। हाँ इसके ऑप्शन में देखना एक बात कुछ है तो वहां पर बात, फ्रियॉन इसका एक बहुत फेमस, और गैमेक्सिन अभी 666 के बारे में बात कर दी गई थी वही है फ्रियॉन CF2Cl2 ध्यान है, फ्रियॉन फ्रियॉन का यूज होता है प्रशीतक रेफ्रिजरेंट सॉल्वेंट कूलेंट में, ये भी बात पूछी जा सकती है। सब बातें याद दिला रहे हैं, जो इधर बात बोली तुरंत उसको पेज पलट के आपको देखना है। ठीक है गैमेक्सिन हो चुकी बात, हेक्साक्लोरोइथेन ये कोई बड़ी खास बात है नहीं, तो फ्रियॉन के बारे में पढ़ना अपने को, फ्रियॉन का नाम लिखना CF2Cl2 नंबर ऑफ कार्बन माइनस वन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, फ्रियॉन ए सी बी ए नाम लिखा था ना उस हिसाब से बात हो जाएगी। तो क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बना डीडीटी, एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर है तो वही आयोडो फॉर्म, लेकिन बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने जानबूझ के इस क्वेश्चन को दिया कि ब्लीचिंग पाउडर के साथ कुछ और ना बना दें, सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री। पहली बात हेलो आपसे पीएमटी में इन ऑर्डरिंग में ये भी पूछ सकता है ब्लीचिंग पाउडर सी ए ओ सी एल सी एल बोलो। हाँ इसमें ये तो है ब्लीचिंग पाउडर, इसमें ऐसा भी पूछ लेना सी ए ओ एच का होल ट्वाइस प्लस सी एल टू तो भी आप इसको लेते, लेकिन ये दिया नहीं है तो हम इसको बात नहीं कर रहे। ठीक है तो क्या बनेगा इसमें देखना, इसमें
एक तो क्लोरोफॉर्म, जैसे CH3CuCH3I2NOH किया था तो आयोडोफॉर्म बनाया था, उसका सॉल्ट बनाया था, तो इसमें CHCl3 बनाया और प्लस CH3COOCaOCOCH3, इसका क्या बनाओगे? सॉल्ट, ठीक है। और आगे अब सुनो, दर इसकी हीटिंग दे देती तो CaCO3 निकाल देते, लेकिन ये बनेगा आपका। कई बार यहां प्रोडक्ट लिख दे फिर उसके आगे कुछ और रिएक्शन दे दे तो बात करेंगे। तो इसमें क्या बनेगा बेटा? क्लोरोफॉर्म। तो एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से अभिक्रिया, ठीक है। तो कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ये तो बता ही चुके हैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है, याद आ रहा है? ROH SOCl2 pyridine, ROH SOCl2 किसके साथ रिएक्शन? पिरिडीन के साथ। ये एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। सर इसमें कुछ और बातें बता सकते हो क्या? बिल्कुल बेटा, देखो जब पिरिडीन है, कभी मान लो आपको देखो वो चांस 1% का है, 2% का है, नॉर्मल आने को तो ऐसे आ जाए। तो अगर जो पिरिडीन प्रेजेंट है, कई बार पिरिडीन प्रेजेंट, एक बार पिरिडीन एब्सेंट, पिरिडीन प्रेजेंट है तो H प्लस वो ले लेगा पिरिडीन का। पिरिडीन का काम क्या है? एसिडिक इंप्योरिटीज को हटाना, ठीक है ना। तो पिरिडीन अम्लीय अशुद्धियों को हटाता है, एसिडिक इंप्योरिटीज को हटाता है, ठीक है। तो उसकी बात हम करेंगे। तो यहां पे देखो, तो वो Cl- कहां से हो जाएगा? बैक साइड से। जैसे ये हम क्वेश्चन ऐसे लिख दें, यहां पे OH, ठीक है ना, और यहां SOCl2 और यहां कर दिया पिरिडीन और एक सिंपल SOCl2 कर दिया, दोनों बातें कर दें, एक SOCl2 पिरिडीन। तो पिरिडीन जब एसिडिक इंप्योरिटीज को ले लेगा तो Cl- फ्री हो जाएगा और वो कहां से अटैक कर जाएगा? बैक साइड। और बैक साइड से जब अटैक करेगा तो ऊपर वाला कहां चला जाएगा? नीचे। और नीचे वाला होता तो कहां चला जाता? ऊपर। लेकिन सीधी बात अगर यहां पे सीधे है इससे बात करें तो यहीं पे क्या आ जाएगा? Cl। जब SOCl2 सिंपल दिया हो तो यहां दोनों क्वेश्चन में खास बात, SOCl2 पिरिडीन है तब तो कहां से अटैक करेगा? बैक साइड। और SOCl2 सिंपल है तो सीधे OH हटा के हम वहां क्या कर देंगे? Cl। क्लियर कर लोगे बेटा बात? तो ये, लेकिन ये हेलो बाबू ये बताया क्यों है कि कहीं बच्चे 1-2% कोई क्वेश्चन इधर उधर का आ गया, तो नहीं तो ऐसा आना नहीं है, आना तो यही है। अब देखो इसमें, हेलो यहां एक बात बताते हैं, सुनो, हम लोग जब NCERT करते होंगे तो अगर NCERT में देखो तो क्वेश्चन ऐसे दिया है, इधर देखना, OH यही आ सकता है, हेलो बाबू यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। बेंजीन से OH रिप्लेस नहीं कर सकते, आया भी हुआ है यार कि प्रोटोनेशन कौन आसानी से किसका नहीं हो सकता, किसका हो सकता है, तो बेंजीन से OH है, Cl है, इसको हम निकाल नहीं सकते, तो यहां इसको टच नहीं करेंगे, OH की जगह पे क्या लगा देंगे? Cl। बेटा इन सब क्वेश्चनों करते करते देखो अपने आप झंझनाहट महसूस हो रही है कि बच्चे हमारे इसको फोड़ के आना यार, समझ गए? आप वो कदम रख चुके हो, कुछ ही दिनों का फासला है कि आप MBBS फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जा रहे हो, ठीक है ना। इसलिए अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, खूब हार्डवर्क करो। हार्डवर्क इन द सेंस क्या है? दीवाल धक्का देने से कुछ नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड बात करनी है अपने को, तो इन सब चीजों की बात हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है पेपर फिर लास्ट टर्म पे की तरह आए तो नॉर्मल बातें ही होंगी, उसमें कोई उल्टी सीधी बात नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे विद्वान साथियों, मेरे भावी डॉक्टर, इधर ध्यान से पहले देखो, कर लोगे ये? तो ये भी हमने बात बता दी, हर चीज के साथ हम चल रहे हैं। हाँ, OH PCl5 बिल्कुल, Cl बनता है, इसमें भी Cl बनता है, ROH SC 3 degree 2 degree 1 degree, लेकिन बेस्ट कौन सा है? ये होगा, क्यों? क्योंकि इसमें SO2 HCl जो है गैस वो बाहर निकल जाएगी। क्लियर, हर बात बोल रहे हैं, इसको वीडियो को पॉज करके बातें कुल सुनो, हम तो चाह रहे हैं कि आपका पूरा काम हम खुद ही कर दें कि आपका रिवीजन एक पूरा प्रॉपर हो जाए। 10 नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, NBS, हां अपने
एनबी, लेकिन यहां हैलोजन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एनबीएस जैसी शब्द, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो होता ही है, क्योंकि हैलोजन इससे बनाना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एल्कीनियम भी था, तो यहां डबल बॉन्ड के ठीक बगल से एच हटा के क्या लगाना है, सीएल, तो डबल बॉन्ड के ठीक बगल से हमने यहां फ्री रेडिकल बनाया। देखो तो यहां डबल, यहां क्या बनाया, फ्री रेडिकल। अब देखो अंदर डबल बॉन्ड है, बाहर डबल बॉन्ड है, कौन सा अधिक स्टेबल होता है बेटा, अंदर वाला डबल बॉन्ड, तो यहां डबल बॉन्ड और यहां क्या हो गया CH2 फ्री रेडिकल। अब इस पर क्या अटैक कर लोगे, Br, कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। तो सुनना इधर, हेलो, इसमें पूछ सकता है NBS कर सकता है, N ब्रोमो सक्सनमाइड या NCS की बात कर ले, ठीक है ना, N क्लोरो सक्सनमाइड इसकी बात कर ले, तो हम डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटा के वहां क्या लगाएंगे, Br या Cl, यही बात है। अगर दोनों तरफ है तो देखेंगे कौन सा अधिक स्टेबल है, क्लियर, बोलो। तो यहां मेजर प्रोडक्ट पूछा है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। अगर हां यहां भी Br लगा देते तो वो भी, लेकिन वो ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो माइनर प्रोडक्ट तो वो भी पूछ जाते, वो है नहीं, तो एक ही आपको बताना है, ठीक है। यहां ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन NBS के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, विच कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ NBS, ठीक है, विच कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ NBS, तो NBS के साथ रिएक्शन ना करने वाला जिसके पास डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या हो, हाइड्रोजन ना हो, तो वो NBS के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कर लोगे बेटा काम, तो इसकी इंपॉर्टेंट है ये भी रिएक्शन, या फिर हम कुछ बातें इस पर, अगर बेंजीन के ऊपर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा मेजर, बेंजीन के ऊपर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है मेटा प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन के ऊपर एक दो एक्टिवेटिंग तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग के अकॉर्डिंग, दो डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग तो एक्टिवेटिंग, हैलोजन तो ऑर्थो पैरा, तो यहां पे बेंजीन के ऊपर क्या है CCl3, बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा CCl3, बेंजीन के ऊपर क्या है CCl3, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, रिंग को क्या करेगा डीएक्टिवेट करेगा, खींचेगा, खींचेगा तो कहां ले जाओगे मेटा पर, और मेटा कौन सी जगह है फर्स्ट, बोलो मेटा कौन सी पोजीशन है फर्स्ट, बोलो, तो आंसर फर्स्ट हो गया अपना, कर लोगे बात, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना मेटा पे। अच्छा क्वेश्चन है, यहां एक बात हमें याद आ गई, एक बात याद आ गई बहुत शानदार, करें क्या इसको, चलो बहुत बढ़िया बात आई, रुको हम यहां पे उसको करते रहे। एक बार क्या हुआ, जेई मेन में और पिछले अपने उसमें भी दिया, लेकिन उसको नीट में उतना घुमाया नहीं, जेई मेन में अच्छे से घुमा दिया था, बेंजीन था CCl3 था और यहां पे एक्वस KOS टाइप का दे रखा था, और नीचे जो ऑप्शन दिया था, हेलो, बेंजीन इधर CHO इधर ऐसे दिया था, रुको पहले पूरा क्वेश्चन लिख दें, ऐसे दिया था, देखो CH3 दिया था, Cl2 दिया था, A दिया था, और यहां एक्वस KOH या H2O भी लिख दे, एक ही बात है। तो अब बात सुनो, अगर जो तुम सारे H रिप्लेस कर दिए तब तो यहां क्या बन जाएगा COH, एक H रिप्लेस किए तब तो बन जाएगा CH2OH, दो H रिप्लेस किए तब बन जाएगा CHO, और ये तीनों ऑप्शन में दे रखा था, ये तीनों ऑप्शन में दे रखा था, लेकिन ऐसा कभी दिया हो तो आप ऐसे करना CH Cl Cl और बेंजीन CH2OH, बेंजीन के ऊपर CHO, देख लो इसको, बात समझ गए। तो टोलवीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का स्पेसिफिक मेथड होता है, एक कमर्शियल मेथड है, तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं, अगर ऑप्शन में CH2OH COH और CHO है तो आपको टिक किस पर करना है, इस पर, ठीक है। तो ये बात हमें एक बतानी थी, हाँ, तो ये हो गया, इसी के लिए बात थी। आयोडोफॉर्म को एजी डस्ट के साथ गर्म करने पर बनता है, बहुत बेहतरीन बात, फिर CH
CHIII 6AG II 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 बोलो क्या बन गया? एसिटिलीन। जब तुम लोग छोटे छोटे थे तब ये क्वेश्चन एक बार नीट में आ भी चुका था, और थोड़ा बड़े हुए होगे, हमारे ख्याल से आप लोग 8वीं 9वीं में होगे, तो ये क्वेश्चन आया था CH3 CL3 AG जस्ट। बोलो, तो ये आया था, तो इसमें क्या करोगे? CH3 CCl3 है ना, ये था, तो फिर वहां CH3 C Cl 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 6 Ag Cl Cl Cl। C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यही बात है। बोलो, तो इसमें 2-ब्यूटाइन बन गया, इसमें तो क्या एसिटिलीन, हमारा इसमें आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। और ये अलग एक बात बताइए, हेलो, हर चीज पे हम घूम रहे हैं कि हमारे बच्चों को हर चीज मिले, ठीक है। नेक्स्ट बात, CCl4KOH राइमर-टीमर रिएक्शन, उससे एक स्टेप, अपने खुद ही चाह के कि मान लो कोई ऐसा, अब ये तो आ जाएगा तो अब करना ही पड़ेगा, जैसे फिनॉल है, CH फिनॉल की फिनॉल है, और यहां CHCl3KOH, यही बात हम यहां बोली दे रहे हैं, तो OH CHO बन जाता है, कौन सी रिएक्शन है? राइमर-टीमर रिएक्शन, ठीक है। और इसी में अगर CCl4 ले लेते हैं तो क्या बन जाता है? सैलिसिलिक एसिड, यहां पे बन जाएगा COH। तो आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। अब यहां पे सुन लो, फिनॉल की NaOH CO2H+, उससे भी क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। चले बात को, 1-क्लोरोब्यूटेन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करने पर, 1-क्लोरोब्यूटेन, सिंपल सी कहानी, CH3 CH2 CH2 Cl, एल्कोहलिक KOH, बहुत ही नॉर्मल बात। एल्कोहलिक KOH का काम क्या है? HCl को निकालना, CH3 CH2 CH double bond CH2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 1-ब्यूटीन, क्या बन जाएगा? 1-ब्यूटीन, क्लियर है बात। तो इसमें हाँ, एल्कोहलिक KOH यहाँ पे एक्वस KOH होता, तो Cl को हटा के हम क्या लगा देते? OH लगा देते। क्लोरोफॉर्म को वायु तथा प्योर NCERT का क्या बनेगा? फॉस्जीन गैस, CHCl3, कहां पे है दिया? सुनो दर, अब जहां पे ये बता दे कहां पे दे रखा है, जिस जहां पे पॉली हैलोजन दे रखा है ना, DDT फ्रेयॉन CHCl3 ये सब ना, वहीं पे इस चीज को दे रखा है, तो CHCl3 प्लस ऐसे ले देते O2, तो यहां बन जाएगा COCl2। क्या नाम है इसका? कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड से मस्टर्ड गैस और ल्यूसाइड दो गैस। सुनो, एल्कीन की H2Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो मस्टर्ड गैस, जिसका यूज हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ल्यूसाइट, CHCl3 की ASCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH2Cl double bond CH ASCl2, इस टाइप का ल्यूसाइट, CHCl double bond CH ASCl2, क्या बन गया? ल्यूसाइट गैस, और इसका यूज कहां हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार में। देख रहे बेटा, जितनी मेहनत है उतनी साथ लो, हर ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको कहां तक पहुंचाया जाए, ठीक है। तो ल्यूसाइट और मस्टर्ड की बात हो गई, ठीक है ना।
मस्टर्ड इथीन की H2Cl2 के साथ इसका स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। इसका भी ये ना मस्टर्ड गैस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2Cl2 तो क्या हुआ यहां पे CH2Cl CH2S यही क्या है मस्टर्ड गैस। ठीक है वेरी गुड। एक इक्वेशन दे रखी है फिर उसका नाम पूछा गया है। देखो बेटा लो क्लोरोबेंजीन है बोलो और इसकी NaOH के साथ रिएक्शन रिएक्शन होती है नहीं होती है लेकिन इसी को हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कर दिया तो यहां क्या हो जाएगा OH फिनॉल क्या हो जाएगा OH। इसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं डाउस प्रोसेस। इस रिएक्शन का नाम क्या है डाउस प्रोसेस। कर लोगे C2H5ClKCN तो यहां हो जाएगा ठीक है यहां क्या हो जाएगा बेटा C2H5CN। अब C2H5 इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N H प्लस OH माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्या हो गया C2H5COH OH OH H2O C2H5CO OH बोलो C2H5CN एंड C2H5COOH ठीक है। अब इसमें इसमें हाइड्रोसिस लिख रखा है आप इस कंफ्यूजन में रहे कि पार्शियल है कि कंप्लीट है क्योंकि पार्शियल वाला ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसको C2H5CN और C2H5COOH हो गया 18। CH3CH2Br एल्कोहलिक KOH तो एल्कोहलिक केओएच का काम क्या होगा बेटा बोलो एल्कोहलिक केओएच का काम क्या होगा HCl को निकालना बिल्कुल HBr है यहां पे तो HBr को निकालना तो ए जो बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब सिंपल आगे HBr है क्या लिखोगे मार्कोनिकोफ रूल तो CH3CHBrCH3 आगे एक्वस केओएच CH3CHOH और यहां क्या है CH3CHOH CH3 तो आंसर क्या हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। क्लियर CH3CH2Br ठीक है एल्कोहलिक KCN तो यहां अपने आप लिख दिया देखो CH3CH2Cl लिख दिया है। अब आगे कह रहा है हाइड्रोलिसिस खुद ही लिख दिया देखो CN तो इसमें कोई लफड़े की बात है ही नहीं हा? अब आगे हाइड्रोलिसिस तो हाइड्रोलिसिस तो CH3CH2CN की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा COH एमाइड वाला ऑप्शन है नहीं कि फिर पार्शियली फुल्ली का कोई लफड़ा नहीं तो यहां जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा CH3 देख रहा है CH2COOH 1 2 3 प्रोपियोनिक एसिड हेलो प्रोपियोनिक एसिड देख रहे हो एक चीज ये कॉमन नेम है नहीं तो प्रोपेनोइक एसिड IUPAC नेम होता है तो प्रोपियोनिक एसिड ठीक है तो 19 मेथिल ब्रोमाइड को जब जिंक के साथ गर्म करते हैं हेलो CH3Br एनहाइड्राइथर के साथ जब रिएक्शन होती है तो होती है CH3CH3 वुड्स रिएक्शन होती है लेकिन उसी की जगह पे अगर जिंक का प्रयोग कर देते हैं Na की जगह पे तो उस रिएक्शन को कहते हैं फ्रैंकलैंड तो पहले तो ये क्रिया कौन सी है फ्रैंकलैंड मेथड है खैर
ठीक है। तो यहां देखो CH3Br जिंक है, तो Zn एरो Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन माइनस और ये प्लस, टू इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो फ्री रेडिकल, टू इलेक्ट्रॉन गया तो यहां क्या हो गया CH3-। अब CH3Br माइनस और ये प्लस, ये दोनों आपस में अटैच, तो क्या बन गया CH3CH3। देख लो छोटी सी रिएक्शन है, बहुत छोटी सी रिएक्शन, लेकिन जिंक ऐसी बात तो ही है, मेटल के साथ रिएक्शन तो है सिलेबस में, तो ये दे सकता है जिंक के साथ रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा यहां पे C2H6। ठीक है, बहुत आयोडो फॉर्म को KOH के साथ गर्म करने पर मिलता है आयोडो फॉर्म। आयोडो फॉर्म बेटा क्या होगा, आयोडो फॉर्म क्या होगा बेटा CHIIIKOH, तो CHOH HCOOH KOH HCOOK एसिड बेस रिएक्शन होगी लास्ट में, तो यहां क्या हो जाएगा थर्ड आंसर। ठीक है, करो, हो गई बात ये, तो आंसर थर्ड हो गया। अगला आ गया वही चीज CH3Br Na ड्राई ईथर Na, अगर वो नहीं दे रखा है तो भी कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां है तो ड्राई ईथर अपने लिख दे, ना भी दिया हो तो कोई लफड़े की बात नहीं है, तो और कोई रिएक्शन परकिन नहीं होगा, लेविट कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन होगी, कौन सी होगी वुड्स रिएक्शन, CH3Br Na ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहां हम ऐसे लिख दे रहे हैं ड्राई ईथर, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी वुड्स रिएक्शन हो गई। चले नेक्स्ट कर लोगे, तो ये नाम है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। नेक्स्ट 23, निम्न में कौन सा कमरे के ताप पर द्रव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कहां है एनसीईआरटी में, हेलोजन डेरिवेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी का चैप्टर, और फिजिकल प्रॉपर्टी के चैप्टर में पहली दूसरी लाइन में इनके बारे में डिटेलिंग दी गई है। गैस के बारे में बताया गया है, तो CH3I क्या होता है, कमरे के ताप पर लिक्विड होता है। ठीक है, कर लोगे बेटा, तो ये ध्यान रखना, बहुत लाइन बाय लाइन से बातें हो रही हैं, कहां है समझ गए, फिजिकल प्रॉपर्टी जहां पे हेलोजन डेरिवेटिव दे रखी है उसके ऊपर ऊपर की लाइन में ही ये बातें दी गई हैं। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव, और ब्रैकेट में दे दिया है मोस्ट रिएक्टिव किसके रिकॉर्डिंग, SN1 के बारे में बात कर रहा है, तो SN1 के बारे में तो क्या देखना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, अगर दो के स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए तो देख लेंगे लिविंग ग्रुप, तो ये दो 2° बन रहा है, ये दो 2° बन रहा है बेटा, देखना ये तो 1° बनेगा फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, तो क्या बनेगा 1°, ये 2-chloroprolefin, ये 2-bromoprolefin, अब इन दोनों में कंपेयर के लिए क्या दिखाएंगे लिविंग ग्रुप, तो कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है Br, बोलो। 25, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसके साथ, हेलो C=O के साथ तो रिएक्शन कर ही लेगा, याद है RMgX माइनस और ये प्लस कर लेगा, C=N बॉन्ड तोड़ा माइनस और ये प्लस, यहां RMgX प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा कुछ भी हो C=NMgBr
और यहाँ क्या लग गया R, अब यहाँ हाइड्रोसिस कर देंगे आगे दिया होगा तो इसके साथ भी सी डबल बॉन्ड एस थायल्कोल, ये भी है सेम वैसे कंडीशन, तो आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ, तो सभी के साथ ये रिएक्शन कर लेगा। 26 फायर एक्सटिंग्विशर, अग्नि शामक में पायरीन है CCl4, पायरीन क्या है CCl4, ठीक है याद रख लोगे, छोटी छोटी बातें। फिर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि आ सकता है, किसका डायपोलोमेंट मैक्सिमम है अमोंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट डायपोलोमेंट, तो एक बार देखो इधर, ये आईटी में दो बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑर्डर बता दीजिए इसके डायपोलोमेंट को, और एक बार इसका पूछा गया है किसका डायपोलोमेंट जीरो होता है, किसका डायपोलोमेंट जीरो, तो देखो इधर CH, CH, CL, CH, CL, CH, CL, 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 CL,
रहे हैं चार्ज और एक खींच रहा है, दो दे रहे हैं दो खींच रहा है, एक दे रहे हैं तीन खींच रहा है, इसमें चारों खींच ही रहे हैं, देख रहे हो। तो इसका डायपोल मोमेंट तो क्या हो गया, जीरो। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा है किसका डायपोल मोमेंट जीरो है, तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा, सी एस थ्री सी एल, तीन दे रहे हैं एक खींच रहा है। भाई ऐसे मान लो तुम चार्ज इन द सेंस मनी की बात कर रहे हैं, यहां तीन लोग कमाने वाले हैं एक खाने वाला है, दो कमाने वाले दो खाने वाले, एक कमाने वाला तीन खाने वाला, यहां चारों खाने वाले, तो चार्ज कम हो जाएगा ना, समझ गए। तो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट ये, अगर इसका ऑर्डर पूछते तो वन टू थ्री फोर, दोनों सब बातें कर रहे हैं अपने, ये पूछ ले ऑर्डर, ये डायपोल मोमेंट सीसीएल फोर सबसे कम डायपोल मोमेंट, या कहे कि किसका डायपोल मोमेंट जीरो है तो सीसीएल फोर, और किसका यहां मैक्सिमम पूछा है तो कौन सा हो जाएगा बेटा, सी एस थ्री सी एल। किस एल्किलाइड में SN2 क्रिया विधि अधिकतम पाई जाती है, SN2 मैक्सिमम, तो SN2 सुन लो बेटा, हेलो SN2 ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी एक तो R सबसे अधिक जो होता है R CO CS2 CL, इसका तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, लेकिन अगर नॉर्मल बात करें तो वन डिग्री जैसे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी, जैसे जैसे स्टेरिक हिंडेंस बढ़ता है स्टेबिलिटी क्या होती है, ट्रांजिशन कम होती है, तो जहां स्टेरिक हिंडेंस कम होगा उसका SN2 अधिक होगा, मतलब आंसर क्या जाएगा इसमें, फर्स्ट। ऑर्डर की बात करते तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और लास्ट में फोर्थ, ठीक है। जितना कम स्टेरिक हिंडेंस होगा SN2 की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। 28, 29 कौन सा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक नहीं बनाता, ये वाला याद रखना, ये एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं ना, इस वजह से इसमें नहीं बनता है CH3F। ये भी एक छोटी सी कहानी आ जाएंगे सब, ये बेटा इतने ये सब कुएं घुस घुस के क्वेश्चन निकाले गए हैं, तो आप आराम से इसको बात करते रहो कि कैसे बच्चों में आ सकता है क्वेश्चन। हाँ, किसका गलनांक सर्वाधिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, एनसीईआरटी की बात दोनों पूछ सकता है, यही याद दिला देते हैं, ऑर्थो क्लोरो ब्रोमो ऐसे दिया होगा, तो सुनो बॉइलिंग पॉइंट भी यही बता दे रहे हैं, अगर बीपी का क्रम पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे अधिक हो जाएगा ऑर्थो का, ठीक है ना, फिर पैरा, और दोनों केस में मेटा वाला बाद में, चाहे मेल्टिंग पॉइंट, अगर यही मेल्टिंग पॉइंट पूछा तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा, पैरा वाला, ड्यू टू सिमेट्री।
फिर ऑर्थो, और दोनों केसेस में कह रहे हैं ना मेटा वाला बाद में। तो यहां पूछा है मेल्टिंग पॉइंट, हेलो यहां क्या पूछा है मेल्टिंग पॉइंट, लिख लो ड्यू टू सिमेट्री सममित के कारण पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। हाँ जानते हो कौन सा क्वेश्चन है, वन थ्री इधर देखना, वन थ्री वन टू थ्री फोर, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम, सोडियम ईथर एन ए ड्राई ईथर वन ब्रोमो थ्री क्लोरो है, ठीक है। यहां निकाला फ्री रेडिकल, निकाला फ्री रेडिकल, बोलो ऐसी कहानियों में तुम पारंगत हो, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, फोर्थ, ठीक है। ये रिएक्शन कौन सी है, वुड्स रिएक्शन। एन एल्किल एसिड मे बी कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल, सिंपल से कह रहा है ये, RCl है और क्या बना रहा है ROH, तो Cl हटाना है और वहां OH लगाना है, लैंग्वेज ऐसी ध्यान रखना। तो ये क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, Cl हट के क्या लग रहा है OH, तो कह रहा है निम्न में किस अभिक्रिया द्वारा एल्किल एसिड को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। और कौन सी क्या चीज डाल सकते हो, एक्वस KOH डाल दो, तो Cl किस में चला जाएगा OH में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में मेथिल हैलाइड की क्रियाशीलता, रुक जाओ जरा, अच्छा क्वेश्चन लो, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा IBR CLF, अगर सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया जाए, जो अपने रेगुलर में होंगे बेटे BR है और CL है और यहां लिखा जाए Mg1 equivalent, तभी तो F का कहा गया, निगलेक्ट किया गया F को कि नहीं बनाएगा क्योंकि एक्सक्लूसिव है, तो BR और CL में किसके साथ जाएगा, BR के साथ, यहां क्या बन जाएगा Mg BR और ये क्या हो गया CL, ठीक है। SN2, तो इसमें आंसर कौन सा होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। SN2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जहां त्रिविम बाधा कम होगी वही स्टेरिक इंडेंस कम होगा, वो SN2 रिएक्शन के रेट को तेज करेगा, ठीक है। बट अब यहां बात आई कि सब में भाई RF RCL RBR RI सब में स्टेरिक इंडेंस क्या है, कम है, तो क्या देखेंगे हम, क्या देखेंगे, शाबाश, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप कौन अच्छा होता है, IBR CLF, तो यहां हो जाएगा RI RBR RCL RF, बोलो हो गया 35, C2H5 की Ag2O के साथ ड्राई Ag2O लिखा होगा, हाँ बिल्कुल, एक्वस लिख देता तो यहां मामला गड़बड़ हो जाता बेटा, तब एल्कोहल बनने लगते, ठीक है ना, इसलिए हेलो, तो यहां C2H5I AgO AgI C2H5 C2H5 O C2H5 कार्बोनिक एसिड, हाँ इसमें पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एसिड है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें COOH ग्रुप नहीं है, तो कार्बोनिक एसिड होता तो क्या ये फिनॉल है, होता तो क्या ये फिनॉल है,
फिनॉल, इसी को क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड। तो एसिड लिखा है लेकिन इसमें कहीं सी डब्ल्यू एच ग्रुप नहीं। ठीक है बेटा है? चलो वुड स्प्लिट, मेथेनॉल इज वुड स्प्लिट। मेथेनॉल को क्या कहते हैं, वुड स्प्लिट। प्योर एनसीईआरटी की बात फिर कर दी हमने। हाँ ये हो गया वुड स्प्लिट, ये आंसर हो गया। अब सुनो हेलो, वुड स्प्लिट। अगर ग्रेन स्प्लिट कहा जाए, ग्रेन स्प्लिट, तो क्या हो जाएगा, C2H5OH। लिख लो हेलो, हर पे एक क्वेश्चन पे हम दो तीन क्वेश्चन बना के आपके सामने। हाँ कोई कहते हैं रबिंग एल्कोहल, साहब रबिंग एल्कोहल क्या होता है, रबिंग एल्कोहल हिंदी में भी यही लिखना, रबिंग एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और इसी में वो कहानी भी आती है, इसी जहां से पेज से लिया गया है, कि एल्कोहल को डीनेचर्ड करने के लिए क्या मिलाते हैं, CuSO4 प्लस पिरिडीन। याद आ गया ना, CuSO4 जिससे उसका कलर दिखेगा, और पिरिडीन जिसको अपने नाक तक वो ले नहीं जा सकता तो पी नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो वो भी लाइन अपने ध्यान रखना जो बोल रहे हैं। अब चार पांच क्वेश्चन इसमें बोल दिया हमने, तो इसको तुरंत अपने हिसाब में अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि लड़ाई तुम्हें ही लड़नी है और तुम बहुत आगे तक अभी जाओगे। अभी MBBS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर बाहर आके निकलोगे, फिर डॉक्टर, फिर दुनिया भर की चीजें, फिर PG करोगे, तो लड़ाई तो तुम्हें अभी लड़नी है। लेकिन अपना काम जब भी एग्जाम हो, समझ गए ना, कूल माइंड से काम करना है यार। ठीक है बेटा, करोगे ना, चलो आओ इधर आगे, इधर आ। ईथर लोन पेयर की वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम होता है। अब इसमें हम ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे किसके लिए, नहीं तो वैसे एनसीईआरटी में जानबूझ के लिखा है 111.7 भी है। ठीक है ना, तो इसमें लगभग में कौन सा होगा, सी लिखा है, ओ सी लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो बात हुई, ठीक है, सी ओ सी बोलो, तो इसके इसके बीच में रिपल्सन के कारण, इसके इसके बीच में रिपल्सन के कारण इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाती है, 110 डिग्री, और ये इसके इर्द गिर्द भी नहीं भटकते। अगर यही 110 और 11 ऐसे लिखते ऑप्शन तो मामला थोड़ा सा फंसता, इसलिए जानबूझ के 110 लिखा है। ठीक है ना, बोलो करें आगे, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर, थर्ड। ठीक है ना, लगा दिया है। अगला ठीक है, दी गई प्रक्रिया ये है, और यहां से क्या निकाला बेटा, NaI बना दिया, C2H5O C2H5। कौन सी प्रक्रिया है ये, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस। एक बात, एक इंफॉर्मेशन और दे दें, एक बार ऑप्शन में ही दिया था, इसलिए हम हर ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बार ऑप्शन में ही दिया था PMT के, कि विलियमसन कंटिन्यूटी रिएक्शन, विलियमसन सतत अभिक्रिया कौन सी होगी। तो सुन बेटा, एल्कोहल से, ट्वाइस एल्कोहल है ना, ROH OHR, ईथर का बनना, एल्कोहल से ईथर का बनना कौन सी रिएक्शन होगी, विलियमसन सतत कंटिन्यूटी रिएक्शन। तो ये तो अलग केस हो गया, और ये कौन सी, विलियमसन सिंथेसिस है। विलियमसन सतत, विलियमसन कंटिन्यूटी कौन सी रिएक्शन होती है, एल्कोहल से ईथर का बनना। बात समझ गए, तो ये एक इंफॉर्मेशन अपने पास और आ गई, इसको ऐड कर लो। उसका नाम अलग होता है, इस विलियमसन सिंथेसिस है उसमें होगा विलियमसन सतत अभिक्रिया या विलियमसन कंटिन्यूटी सिंथेसिस। खैर ये आ गया क्वेश्चन, अब इसको हमें बैक साइड से ऑप्शन से करना है। तो ए ऑप्शन में चले, पहला ही ऑप्शन लेते हैं, CH3CH OH CH3, K2Cr2 7 डाला तो ये क्या बन जाएगा, CH3CO CH3। अब इसमें CH3 MgI ये डालोगे, माइनस और ये प्लस,
CH3 और हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बन जाएगा ओ है। हमें पहला या मिल गया, दूसरा करते हेलो CO का तो यहाँ अगर ऑक्सीडेशन करते ही पोपोप से तो एसिड ओसिड, इसमें C2H5OH तो CH3 एल्डिहाइड बनता एसिड है ये, क्या कोई फर्क नहीं। तो इसमें आंसर क्या हो गया फर्स्ट, ये देखो बेहतरीन बात। हेलो एक यहाँ पे तुम्हें बात मिलेगी पता, CH डबल बॉन्ड CH CHO, अगर H2 निकल का यूज कर लेते इसका तो CHO रिड्यूस होता, डबल बॉन्ड बेंजीन सब रिड्यूस होता, ठीक है ना। NaBH4 NaBH4 तो बेंजीन NaBH4 डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं करता, CH CH2 OH। हाँ K2Cl2O7 डबल बॉन्ड ब्रेक करने लगता तो ये भी नहीं हो सकता। LiLS4 हेलो सिनेमिक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड का जनरली ये रिडक्शन नहीं करता है लेकिन बेंजीन से जब अटैच होता है डबल बॉन्ड तो उसका कर देता है, याद आ रहा है बात। तो बेंजीन से अटैच होगा तो यहां पे LiLS4 यहां पे कर देता है, इसलिए आंसर कौन सा होगा सेकंड। हाँ अगर उसमें LiLS4 डालते तो बेंजीन CH2 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 OH, यहां डबल बॉन्ड जनरली वैसे डबल बॉन्ड को नहीं करता है लेकिन यहां पे जब बेंजीन से अटैच है सिनेमिक टाइप का कंपाउंड होगा तो करता है, तो इसमें तो आंसर क्या होगा बेटा सेकंड NaBH4। हाँ CH3OH, हाँ याद करो ग्रिग्नार रिएजेंट की एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है एल्केन CH3OH CH3NgX प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस CH4 क्या आ गया मीथेन आ गया, तो आंसर कौन सा हो गया थर्ड। बाबू बोलो सही है, आ जाओ। एक एल्कीन के ऑक्सीकरण में CH3COH बने तथा CH3CH2COH, चलो ऑप्शन लेते हैं भाई। हेलो पहला लिया इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 तोड़ा फॉर्मी के तो कुछ है ही नहीं दूर दूर तक इसका, 1-butene इसको लेते हैं इसको तोड़ा तो ये HCOH CH3CH2 हमें तो दोनों ये चाहिए, 2-butene ये सर CH3COH CH3COH ये भी नहीं, 2-pentene ये बना CH3CH2COOH प्लस ये क्या बना CH3COH, कौन सा हो गया आंसर 4, देख रहे हो तो आंसर कौन सा होगा 4। आराम से ऑप्शन में गए, हर ऑप्शन की बात कर रहे हैं इसलिए। ये देखो जोन्स रिएजेंट सिंपल, अगर जो अल्कोहल होता है 1 डिग्री अल्कोहल तो उसको एसिड में चेंज करता है, CrO3 HCSO4 NCRT लेके चलती है जोन्स, लेकिन 2 डिग्री है तो इसको किसमें चेंज कर दोगे, 2 डिग्री है तो इसको किसमें चेंज कर दोगे सी डबल बॉन्ड ओ में चेंज कर दोगे, कौन सा ये वाला कंपाउंड बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, बोलो कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बोलो कर लोगे। पर आयोडिक एसिड याद है, इस पर आयोडिक एसिड को क्या कहते हैं माला पराडे रिएजेंट HIO4 या HIO4.5H2O ऐसे भी लेते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है CH2OH CH2OH HIO4 देख इसको काटा ये एल्डिहाइड ये एल्डिहाइड तो HCHO कितने मोल 2 मोल क्या बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ थोड़ा बता देते हैं, इसमें मान लो बेटा ऐसे हो इधर देखना CH2OH CHOH CHOH CH2OH और यहां दे रखा हो HIO4 तो ये एल्डिहाइड
ये दोनों तरफ से एसिड, ये एसिड, ये एल्डिहाइड, तो ट्वाइस एस सी एच ओ प्लस टू एच सी डबल ओ एच। बोलो ये देखना, द कंपाउंड विच गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन। ये हटाया प्लस चार्ज, ये हटाया प्लस चार्ज, ये हटाया प्लस चार्ज, ये हटाया प्लस चार्ज, इधर कर लेते हैं, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, कौन सा अधिक स्टेबल दिख रहा है? सेकंड, अल्फा एच अधिक है, बोलो टर्शियरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो स्टेबल होना ही है, क्लियर? चलें तो आंसर कौन सा हो गया बेटा? सेकंड। कंसंट्रेट एचएनओ थ्री से क्रिया कर फिनॉल बनता है, द रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेट एचएनओ थ्री एंड फिनॉल फॉर्म्स, ठीक है? तो फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेट एचएनओ थ्री, यहां बात हो सुनना, फिनॉल अब प्रोडक्ट हमसे पूछा है, हमसे तो यील्ड की बात करी नहीं है, कंसंट्रेट एचएनओ थ्री, तो ये क्या बन जाएगा बाबू? फेमस कंपाउंड बोलो जल्दी, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में भी सी डब्ल्यू एच ग्रुप नहीं है और पिक्रिक एसिड एसिटिक एसिड से भी अधिक एसिडिक होता है, भले इसमें यील्ड कम आती है, अच्छी यील्ड के लिए एनसीईआरटी ने कहा पहले इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 जिससे SO3H ऑर्थो पैरा लग जाएगा, फिर HNO3 के साथ कराओगे तो पिक्रिक एसिड, उसमें यील्ड अच्छी आएगी। यहां हमसे यील्ड नहीं पूछा गया है, कहा गया है कंसंट्रेट HNO3 है, फिनॉल के साथ रिएक्शन है तो बता दो क्या बनेगा, तो पिक्रिक एसिड बनेगा। कम ताप पर फिनॉल की Br2CCl4 ये पीछे जा रहा है, ये ना हाँ ये ना ये जो आ गया, तो फिनॉल की रिएक्शन Br2CH2 के साथ, तो Br कहां लग जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे, कहां लग जाएगा? ऑर्थो पैरा पे। हाँ इसी क्वेश्चन में सुन लो दोबारा, Br2H2O लिख देता तब क्या बन जाता? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, देख रहे हो? हर क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि आपको रिवाइज हो, मकसद इसके पीछे क्या है कि आपका रिवीजन हो, आप उसको चीज, हाँ ये सब बातें जानते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, इस बार जो चाहोगे वो कॉलेज तुम्हें मिलेगा, रेगुलरिटी जो जो बात बोल रहे हैं अगर आपको आती है खुश होकर काम आगे और सब्जेक्टों पर फिर ध्यान दो, ये आपका काम इतना पूरा है, अगर जो बातें इसके इर्द गिर्द हम बोल रहे हैं वो आपको पता है तो ठीक है। सांद्र H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन किसके साथ? C2H5OH के साथ, तो इसमें देखो 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो ईथर बना लेते, वैसे ऑप्शन नहीं है, तो यहां जो बात हो गई, अभी पूछेंगे एक बात आपसे, C2H5OH C2H5OH कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, यहां बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गया, तो ये हमारा आंसर। अगर इसी एल्कोहल की कंसंट्रेट H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करते तो ईथर, बेटा बोल दो उसका, उस रिएक्शन का नाम क्या होगा? विलियमसन कंटिन्यूटी रिएक्शन, वेरी गुड, आ जाओ, दो तीन बार बात कर रहे हैं इसीलिए। इसकी कहानी, हम एल्किल ग्रुप को चाहे जैसे वैसे चेंज करें, बस ख्याल इस बात का रहे कि कहीं फंक्शनल ग्रुप चेंज ना हो जाए, पहले भी ईथर और ये चेंज करने के बाद भी क्या है? ईथर, इसलिए ये क्या हो जाएगा आंसर? मेटामेरिज्म। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मेटामेरिज्म, हो गई बात। टी एन टी ट्राइनाइट्रो टोलवीन, टोलवीन के ऑर्थो और पैरा पे एनओ टू लगा दो, वही क्या होता है? ट्राइनाइट्रो टोलवीन। कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर। हाँ ट्राइनाइट्रो टोलवीन,
ये एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, ये ध्यान रखना है, इसे पूछ ले इसमें। वैसे NO2 वगैरह जिसमें TNT वगैरह है, 3 NO2, वो सब एक्सप्लोसिव होते हैं, विस्फोटक होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखोगे स्ट्रक्चर। फिनॉल की यशत राज, फिनॉल जिंक डस्ट, अपने हमेशा कहते रहते हैं कभी कोई चीज ना हो तो एक बार इंग्लिश में देखना जरूरी है। तो कई बच्चे यशत राज ना जानते, जो जानते होंगे बहुत अच्छा है, उन्होंने NCERT को पढ़ा है, जानते हैं फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन बन जाएगा। क्या बनेगा, बेंजीन। 53, हेलो, ईथर की HI के साथ रिएक्शन, बड़े वाले का एल्कोहल, छोटे वाले का आयोडाइड, बट अगर जो टर्शरी या उससे अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन है तो वहां से क्या, वहां क्या जुड़ जाएगा, आई, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा, आई। ठीक है, इसके साथ जुड़ जाएगा आई और इसके साथ H। अब कई बच्चों के दिमाग में सर यहां दो, लेकिन यहां देखो एक डबल बॉन्ड उड़ा दिया है, तो यहां बनता क्या, CH2I प्लस ये बनता, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है, तो ये टिक कर देंगे, ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहां डबल बॉन्ड नहीं, ठीक है। 54, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, देख रहे हो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पूछ रखा है, तो एसाइलेशन के लिए बेटा क्या होना चाहिए, RCOCl के साथ रिएक्शन हो AlCl3 की, तो इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बिसाइड AlCl3 द अदर रिएजेंट इज, यही तो एक बचा है, देख लो, और में कहीं RCOCl है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, गजब का क्वेश्चन, ग्लिसरॉल रेड फॉस्फोरस HI, हेलो, एल्कोहल हो उसको भी एल्केन में, एसिड है उसको भी एल्केन में, एल्डिहाइड है उसको भी एल्केन में, कीटोन है उसको भी एल्केन में चेंज करता है, ग्लूकोज होता रेड फॉस्फोरस HI, एन हेक्सेन, फ्रक्टोज होता रेड फॉस्फोरस HI, एन हेक्सेन, तो इसमें क्या रखा है, ग्लिसरॉल, CH2OH, तो ये एल्केन, कौन सा आंसर हो गया, थर्ड आंसर, कौन सा हो गया बेटा, थर्ड, ठीक है। अब Al2O3, यहां एक बात देखना, फिर ठीक है, Cu कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, तो ये इसको किसमें चेंज करेगा, CH3CHO एल्डिहाइड में, और Al2O3 ये L2O3 काम H2O को निकालना, H2O को निकालना मतलब यहां एल्कीन बन जाएगा, यहां एल्डिहाइड, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका इसमें बेस्ट रहेगा, एल्केनल और एल्कीन, क्लियर। 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड प्रोड्यूस सेकेंडरी एल्कोहल, यहां माइनस और ये प्लस, क्या बन जाएगा, C6H5, सी आगे हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, OH CH3 CH3, क्या बन गया, टर्शरी एल्कोहल बन गया, यहां LiLH4 C6H5, ये हो गया CHOH, रिड्यूस हुआ ना CH3, यहां C6CH3 CH2OH, और यहां ये तो हैलोफॉर्म रिएक्शन है, CH क्या बन जाएगा, CHBr3 प्लस CH3COO- सॉल्ट बन गया, तो 2 डिग्री अल्कोहल जो पूछ रहा है वो किसमें हो जाएगा बेटा, सेकेंड, आंसर इज सेकेंड, ठीक है। हर ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हर ऑप्शन आपके सामने बोल रहे हैं। ईथर कैन बी यूज जनरल एनेस्थीसिया, दांत हो तो फाड़ने में इसको इस्तेमाल करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया दांत पे लगा देते हैं, वो डॉक्टर अपना प्लास लेकर हिलाता है, लोगों को मजा आता है, फिर और हिला के देह से निकाल लेता है, तो वो जनरल एनेस्थीसिया में भी इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है, ठीक है। लाफिंग गैस भी आपका है, जनरल एनेस्थीसिया मांग चलो, वो भी दांतों के उखाड़ने में प्रयोग करते हैं। खैर,
एज ए रिप्रेजेंट, बिल्कुल। परफ्यूम इंडस्ट्री बहुत बड़ा इसका, ईथर का परफ्यूम इंडस्ट्री में योगदान है, बहुत अच्छा इसका। तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। आंसर क्या हो गया? इन सभी में, ठीक है। नेक्स्ट, आर एम जी आई, और यहां हम कर दे रहे हैं हाइड्रोलिसिस। H3O+, वैसे ना भी दिया हो तो भी आपको यही करना था, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में और कुछ है नहीं। तो यहां देखो माइनस और ये प्लस, प्लस और ये माइनस, आर CH2, ONGI, यहां हाइड्रोलिसिस, H+ OH माइनस, माइनस और ये प्लस, आर CH2, OH। बोलो तो क्या बन गया? RCH2CH2OH किसमें है? थर्ड ऑप्शन है ना। तो यहां पे हाइड्रोलिसिस लिख दिया आप लोगों ने। बेयर रिएजेंट को इथिलीन के साथ कराने पर प्राप्त होता है, बेयर रिएजेंट। ठीक है, ये है पहली बात अपने आप में क्वेश्चन की, व्हाट इज बेयर रिएजेंट? 1% एल्कलाइन KNO4 इज नोन एज बेयर रिएजेंट। किसके साथ? इथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और 1% एल्कलाइन KMnO4। तो ये डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या बनाता है? सिस एडिशन देता है CH2OH। ऐसे यहां पे OS4 NHSO3 होता तो भी यही बनाता। हाँ, पर एसिड हाइड्रोलिसिस होता तो क्या बनाता? ट्रांस। तो इसमें बन जाएगा बेटा एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बन जाएगा? एथिलीन ग्लाइकोल, ये है। अब यहां देखो HBr के साथ, तो H ये प्लस और ये माइनस टूटा। अब H+Br- तो Br कहां चला जाएगा? यहां, और H चलाएगा यहां। OH से नहीं निकालेंगे कुछ, क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है तो उसको टच नहीं करेंगे। तो देख लो कौन सा आंसर है, देखो कौन सा है। फर्स्ट ये तो नहीं है, सेकंड CH, हाँ ये आ गया CH Br, ठीक है ना, CH Br CH2 CH3, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। कर लोगे बेटा? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है बस, सिंपल सी। पेंट इन थ्री ऑल को पेंट इन थ्री ऑन में बदलने के लिए, पेंट थ्री इन लिख देते हैं। पेंट थ्री इन टू ऑल, वन टू थ्री फोर फाइव, पेंट थ्री इन टू ऑल, CH3CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। देखो अगर जो हम एसिडिक पर मैग्नेट और एसिडिक पर मैग्नेट यूज करते हैं तो डबल बॉन्ड को भी टच कर देगा। एसिडिक डाइक्रोमेट करते हैं तो ये भी चेंज कर देगा, ठीक है ना। बेयर रिएजेंट यूज करते हैं तो ये डबल बॉन्ड पे OHOS लगाने, PCC पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट यहां पे क्या करेगा? CHO को किसमें चेंज करेगा? C डबल बॉन्ड। बोलो कर लोगे? नेक्स्ट ये देखो भाई, Br है, पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। यहां क्या आ गया? CH3CH Br CH3, यहां क्या आएगा? CH3CH Mg Br CH3। अब यहां माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा CH3CH CH3 CH2 CH2 ONG Br।
अब माइनस प्लस हाइड्रोलिसिस करोगे तो CH3CH CH3 CH2 CH2 OH, आंसर इज थर्ड, ये बन जाएगा यहाँ पे। माइनस के पास क्या आ जाएगा? प्लस, तो 63 का आंसर क्या हो गया? थर्ड। ठीक है, चले डिहाइड्रेशन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। आसानी से जो डिहाइड्रेशन करेगा, तो यहां से प्लस बनाया, यहां प्लस बनाया, यहां प्लस बनाया, और माइनस एच प्लस, तो ये बेंजीन, यहां दो डबल बॉन्ड, यहां एक डबल बॉन्ड, सबसे अधिक होगा 3, फिर 2, फिर 1, कौन सा आंसर हो गया? सेकेंड, विच इज करेक्ट आंसर, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे। हाँ, PCl5 जिसमें होता है, PCl5 किसमें? OH ग्रुप, कौन सा होगा? OH ग्रुप। 66 यहां प्लस एच, यहां क्या है? माइनस आई, यहां क्या है? माइनस एम, तो माइनस एम एसडी की स्ट्रेंथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा। एसडी की स्ट्रेंथ सबसे अधिक हो जाएगा 4, फिर थर्ड माइनस आई, फिर फर्स्ट, और यहां प्लस आई प्लस एच क्या हो जाएगा? लास्ट में, तो 4 3 फर्स्ट सेकेंड। क्लियर है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक्टिवेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हेलो, ठीक है, याद आ रहा है? एक्टिवेटिंग ग्रुप के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन अच्छा एक्टिवेट कर रहा है? थर्ड में एक्टिवेटिंग ग्रुप NH2- OH- OCH3 NHCO CH3, इस टाइप की सिचुएशन। SN1 रिएक्शन, हाँ देखो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 1 2 3, देखना बेटा इधर, ये तो हो गया गलत, क्या होना चाहिए? 3 2 1, गलत। यहां ये पहले होता, ये भी गलत हो गया। यहां सब बराबर है, लेकिन लीविंग ग्रुप के क्या होगा? डायरेक्टली, तो आंसर क्या होगा? थर्ड, फोर्थ, गलत है ना? FCl ऐसे लिख दिया है। बेहतरीन बात जिसको हमने अभी यहीं कहीं डिस्कस की थी, कंपाउंड गिव्स फास्टेस्ट एसेंट टू, इससे भी अधिक ये वाला ग्रुप देता है, RCO CH2 Cl, ये SN2 बहुत फास्टेस्ट देगा, SN2 बहुत फास्टेस्ट देगा। क्लियर? तो ये एक ध्यान रखना है, RCO CH2 Cl, अगर इसमें ऑर्डर लिखें, ये फिर ये फिर ये फिर लास्ट में ये, ठीक है ना? बेहतरीन बात है। हाँ, ये पेपर थोड़ा सा अच्छा देने की कोशिश हो तो ऐसी बातें पूछ लेगा, नहीं तो ये आपका है ही है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं सर। हाँ, छोटी छोटी बात देखो, Cl2 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां Br2HNu भी दे तो भी वही बात है, तो डबल बॉन्ड के ठीक बगल में एच हटा के Cl, एल्कोहलिक KOH का काम क्या है? HCl को निकालना, IHD पूछा है, तो ISD क्या होगा इसका? DU, ISD मतलब DU, 1 2 3, क्या आ जाएगा? 3, ठीक है ना? है, बोलो, तो DU ISD के बारे में। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? HCl निकालेगा। एल्कोहलिक KOH क्या करता है बेटा? HCl निकालता है, तो ये हो जाएगा CH3 CH double bond CH Cl CH3 C triple bond CH CH3 C triple bond C Na CH3 C triple bond C CH3, कौन सा है? फोर्थ आंसर। एल्कोहलिक KOH, HCl निकाल दिया, NH2 पूछा है, फाइनल DDCH3 C triple bond C CH3, ठीक है, बेहतरीन। DDT में क्लोरीन एटम, DT का स्ट्रक्चर बनाया वैसे यहां पे क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी उसी को क्या कहेंगे? DDT।
बोलो बेटा बाबू, अब गिन लो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, आंसर इज 5। इन सब चीजों को आपको गौर करना है, आपको ध्यान से करना है। यहां देखो प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस, सी एस थ्री सी ओ एन जी बी आर, सी एस थ्री सी एस थ्री एच प्लस ओ एच माइनस, माइनस और ये प्लस, सी एस थ्री सी ओ एच सी एस थ्री सी एस थ्री, क्या बन गया 3 डिग्री एल्कोहल। देख रहे हो सिंपल सी कहानियां हैं। प्लीज बेटा अच्छा स्कोर, और जो गलत हुआ क्वेश्चन उस पर देखना क्यों कैसे जल्दी में गलती हुआ है, तो उस पर अपने को कूल रखने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपको गलत करना है, और ऐसे आएंगे, बात हमारी हो गई है, हेलो ऐसे ही आएंगे, ध्यान सुन लेना चीजों को। हाँ इसमें ऐसा करके आगे उत्पाद ल्यूकास टेस्ट कौन ऐसे 3 दे दे, कौन सा ल्यूकास टेस्ट फास्टेस्ट देगा, ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन मामला ऐसा ही रहेगा। कर लोगे बेटा? हाँ, एच आई एक्सिस में पूछ रखा है, बड़े वाले का एल्कोहल, छोटे वाले का आयोडाइड, तो यहां बन जाएगा जो C2H5OH प्लस CH3I, और फिर एच आई H2O क्या हो गया C2H5I CH3I। बोलो लास्ट क्वेश्चन पे चलने जा रहे हैं बेटा, प्लीज 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 गौर से काम करना है आपको, कल से एक और टाइम टेबल का रूटीन सेट करना, जहां थोड़ा सा जो भी चीज जहां लैग लगे उस पर थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा के कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये है ईथर में हाइड्रोलिसिस भी इंपॉर्टेंट होती, तो इसका जो है काम माइनस प्लस माइनस प्लस, टूट गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ठीक है ना, इसमें कहां से ये इधर हो गया माइनस प्लस, एक कार्बन पे 2 OH आ गया, ऐसे 3 बार हुआ, और ये प्लस H2O, एक कार्बन पे 2 OH, क्या कर दो H2O निकाल लो, तो 3SCHO आंसर आ गया, ठीक है। तो बेहतर काम हुआ। सुनो अब आपको जो बात करनी है बेटा, चीजों को रिवाइज करना, ठीक है, और अपने बात को आराम से पेपर दे दिया, 1, 2, 4, 5 क्वेश्चन जो भी गलत हुए हो, कोई कोशिश करो कि समझ गए ना कि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाना है, इसलिए गलतें, हाँ जल्दीबाजी में गलत हुआ तो उसको फिर अपने उसको देखना है क्या क्या जल्दीबाजी कर दी तुमने, या कहीं कोई आपको कॉन्सेप्चुअल कोई दिक्कत है तो आप फिर एक बार नोट्स रिवाइज करो, ठीक है, या बात करो, डाउट काउंटर पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, सीएलसी हमेशा आपके साथ है, समझ गए। तो नेक्स्ट काम करते हैं आगे की, आगे का वीडियो फिर आएगा, इस पर आप आराम से फोकस होके करना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से काम करो, और इस साल अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। थैंक यू डियर, बेस्ट ऑफ लक।